खबर कटनी से है, जहां जिले के स्लिमनाबाद थाना क्षेत्र के सलैया फाटक के समीप एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में राष्ट्रीय ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे सवार करीब 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। वह बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना की जानकारी लगने पर स्लिमनाबाद पुलिस व पान उमरिया ढीमरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना में एक सिपाही का हाथ कट गया है। संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें निकित वासुदेव, कल्ला वासुदेव, वीरेंद्र वासुदेव रहे। तीनों मोटरसाइकिल सवार ग्राम पंचायत सलैया फाटक के निवासी हैं। सड़क हादसे में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। सभी को उपचार के लिए स्लिमनाबाद के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी का उपचार जारी है। हादसे की जानकारी लगते ही SDOP थाना प्रभारी सहित पुलिस मौके पर मौजूद रही। कटनी से साधना विश्वकर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।